मनबोध कुमार झा। कल सत्ता परिवर्तन, लेकिन आज फिर भी लोग कांग्रेस के जोश है, जोश है इनके साथ, जोश है, जोश है। हाँ। जी अभी जो पलटू के साथ अभी पलटने वाला नहीं है। हाँ। अभी देश जो हम लोग भी तो मन बदल लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो जी की तरह गेट आप लोग भी खुले, वो गिरगिट के तरह जो है चालबाज। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देश में जो हालात है कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकता है, क्योंकि युवा, हम जैसे युवा बेरोजगार है, हमें रोजगार चाहिए, हमें धर्म का अफीम चटाया जा रहा है। देश में करोड़ों करोड़ों के तादाद में युवा बेरोजगार है, इस पे बात नहीं होती है, यहाँ पे धर्म पे बात होती है। हम युवा क्या धर्म के लिए वोट करते हैं, रोजगार के लिए वोट करते हैं? आज इकोनॉमी देश का कहाँ है? क्यों नहीं सवाल होती है भाजपा वालों से? भाजपा वालों से सवाल होती है धर्म का, जय श्री राम का नारा लगा के। क्या पंडित का काम नेता करेंगे? विकास कौन करेगा? नेता करेगा तो भाजपा कहाँ विकास कर रही है? राहुल गांधी जो है, अब देख रहे हैं कि झोलमूल नीति हो रही है सर, बिहार सरकार में। हाँ। अब एक ही विकल्प बचा है कि कांग्रेस को ही वोट दिया जाए, एक ही विकल्प, बस एक ही विकल्प बचा हुआ, और कोई विकल्प कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। तो अब बिहार में मुख्यमंत्री तो भाई वही है, लेकिन दल बदल गया है, तो लोग जो है, जो तेजस्वी से जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे, अब क्या वो उम्मीद है या खत्म? अब उनको उनसे ज्यादा उम्मीद रह गई है, इससे और तेजस्वी से ज्यादा उम्मीद रह गई है। हाँ। क्योंकि उनके साथ में कांग्रेस है, राहुल गांधी जैसे लोग हैं। हाँ। अब ज्यादा उम्मीद है उनके साथ। 14-15 महीने सरकार रही है। हाँ। महागठबंधन की, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, तेजस्वी यादव का काम कैसा लगा? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में शिक्षा का, शिक्षक लोग जो भर्ती हुई है उनका ही देन है, तो इनका देन है, तेजस्वी का देन है। एक आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे कि नौमी फेल आदमी कैसे बिहार चलाएगा, 14 महीने उन्होंने बिहार चलाया, आपको कैसा लगा? अब देखिए, अब इस पर तो ज्यादा कहना, वाला चला सकता है। हाँ। तो नौवीं फेल क्यों नहीं चला सकता है? अब तो गोदी मीडिया वाले यही चला रहे हैं। नहीं, गोदी मीडिया की बात नहीं है। हाँ। जब चाय बेचने वाला चला सकता है। हाँ। तो नौवीं फेल क्यों नहीं चला सकता? बस एक ही चलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ। गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ। गांधी जी का नाम रहेगा। 2025 में ताज किसको बिहार में पहना? एकदम तेजस्वी या फिर अपना राहुल गांधी। राहुल गांधी संगठन रहेगा ना अपना, महागठबंधन, एकदम महागठबंधन रहेगा। जो लोग हैं, बेरोजगारी है देश में, कुछ काम धंधा कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार में जो है ना, खाली खाली क्या, खाली हिंदू मुस्लिम धर्म जाति का बात कर रहा है। आप क्या है? अब हम तो मुसलमान है, लेकिन सब भाई सीमांचल जो है एकता का इलाका है। ये लोग भाजपा नेता जहर बोल रहे हैं इंसान के अंदर। कांग्रेस को के ऊपर ये आरोप लगता है, भाजपा वाले कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, किसी जात का, किसी धर्म का पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। ये लोग जो है बेबुनियादी आदमी से बन चुका है। नीतीश जी जो पलटी मार दी है, उस पर क्या कहिएगा? नीतीश कुमार का बात छोड़िए, नीतीश कुमार संगठन में जो भी काम हुआ था आरजेडी के मंत्री किया था, जेडीयू मंत्री एक भी काम नहीं किया था, ठीक है ना? तो ये लोग पलटी मारे, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार पलटी, बिहार का भविष्य क्या संभालेगा? ये भाजपा वाला जो बोलता है कि बिहार का भविष्य आने वाला टाइम 2025 में तेजस्वी यादव को सीमांचल की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री? जी जी, ये बनेगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी चाहिए हम लोग को, तेजस्वी ये चाहिए, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी चाहिए हम लोग को। नौमी फेल आदमी क्या सर कहेंगे, बार बार तो यही आरोप। इसका बाद मुख्यमंत्री था, माता मुख्यमंत्री था, नकली डिग्री नहीं बना लेते है? बात तो सही, नकली डिग्री नहीं बना लेते, क्या बात करते हैं। नौमी बढ़िया काम करेंगे, तेजस्वी जी बढ़िया काम करेंगे। देखिए, सब अपने जगह है, लेकिन अभी अभी का जो राजनीतिक माहौल है उसको देखते हुए लगता है कि किसी भी दल का कार्यकर्ता को इतना उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल जो है, बड़े बड़े नेता किस तरह पलटी मारते हैं, इससे आम पब्लिक और आवाम को समझना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल के लिए आपस में न लड़े और सही नेता को चुने। और मेरा यदि ओपिनियन बोलेंगे तो बिहार का यदि सबसे अच्छा युवा नेता कहे तो चिराग पासवान होना चाहिए। चिराग पासवान, क्या नाम है आपका? श्याम ठाकुर। श्याम ठाकुर है, चिराग पासवान की उम्मीद इनसे है। तो चाचा जी पलटी मार दिए हैं, अब क्या होगा चाचा जी का? चाचा जी 2024 में खत्म ही, समाप्त हो जाएगा जेडीयू, समाप्त हो जाएंगे, खत्म। बिहार वाले कह रहे हैं चाचा जी का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हा? चाचा जी पलटू राम है, ऐसे ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो बार बार जो है। हाँ, ससुराल में स्वागत हुआ है एकदम। चाचा चले ससुराल, अरे समाप्त हो जाएंगे। नहीं, चाचा चले अब ससुराल। चाचा इंडिया अलायंस के द्वारा उसको साथ दिया जा रहा था। हाँ। उसने ठोकर मारा, उसका फर्क नहीं है। हाँ। नीतीश जी के जाने से इंडिया अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना, जाने जिसकी तो है, क्लीन स्वीप हो जाते हैं महागठबंधन वाले। कोई क्लीन स्वीप नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। 24 में या तो क्या बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का चोपड़ा साफ हो जाएगा 2024 में।
बीजेपी का चोपड़ा साफ हो जाएगा। क्या है इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, कुछ नहीं कर रहा सर। क्या बात कर रहे हैं बताइए, जो राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर यही राम मंदिर बना के क्या कर दिया, गरीब का कोई रोजी रोटी लगा है? गरीब का कितना कमाते हैं दिन भर में? हम लोग तो 200-400 रुपया कमाते हैं। कह रहे हैं कि 700 आप गरीब आदमी कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है, जब से बीजेपी आया है तब से भाजपा वाले झूठ बोल, तब से अपना मजदूरी खत्म हो गया गरीब का। हाँ। बस पैसे वाले कमा रहे हैं, गरीब का कुछ नहीं है। सर हमें ऐसा पीएम चाहिए जो देश के पूरा जो है हर कम्युनिटी को लेकर चले, जात पात का लड़ाई ना हो, हिंदू मुस्लिम का विभाजन ना करे, ऐसा सरकार चाहिए जो हिंदुओं को भी ले चले, मुस्लिम को भी चले, सिख को भी चले। मोदी जी तो सबको ही लेके चलते हैं ना। यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का बंटवारा सिर्फ की बात हो रहा है, उनका नेता को कहाँ थाम रहे हैं, लगाम कहाँ कस रहे हैं अपने नेताओं को, एमपीओं को, तरह तरह का भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाषण देते हैं। इससे दिक्कत है, इससे हम लोग को दिक्कत है। पीएम कोई भी हो लेकिन देश को जो सब 24 में क्या होगा, 24 हम लोग को राहुल चाहिए, 24 में क्या होगा, 24 में एकदम बिहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा राहुल में, 40 का 40 दिन होगा बनेगा आरजेडी का सरकार। अरे आरजेडी का सरकार का नीतीश जी बढ़िया काम नहीं किए, सब बदलू राम है, बदलू राम है बस। तो तेजस्वी जी से भरोसा है, बस तेजस्वी से भी भरोसा। गठबंधन में क्या था ना, तो तेजस्वी के भरोसा में बिहार सरकार चल रहा था, तेजस्वी के भरोसा भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, क्योंकि उससे फर्क नहीं था जितना डिप्टी सीएम का काम हुआ है बिहार में। तो जो काम तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे थे वो काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे, ये हम नहीं है बिहार का युवा और किशनगंज का युवा कह रहा है। देखिए एक तरफ हमारे पीछे लोग हैं, दूसरी तरफ देखिए वहां लोग हैं, तो लाखों हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद हमने सोचा कि लोगों के मन में क्या, जब नीतीश जी पलटे हैं तो जनता भी पलटेगी क्या, लेकिन जनता जो है महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।